नमस्कार विद्यार्थियों, सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं कमल पालेवाल। कल हमने पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में और दैनिक जीवन में पीएच के बारे में। अब इस चैप्टर के अंत में हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन काम में आते हैं, या फिर यूँ कहें कि हमारे दैनिक जीवन में हम कौन कौन से रसायनों का प्रयोग करते हैं, उनके रासायनिक सूत्र के बारे में और उपयोग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। इसे हम साधारण नमक भी कहते हैं और इसका उपयोग भोजन निर्माण में, या फिर यूँ कहें भोजन का एक प्रमुख अवयव है सोडियम क्लोराइड है। सब्जियों के अंदर या रोटी बनाने में भी हम इस सोडियम क्लोराइड की कुछ मात्रा का उपयोग करते हैं और इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अब एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम समझते हैं कि NaCl का निर्माण किस प्रकार होता है। जब HCl के साथ एक प्रबल अम्ल के साथ प्रबल सार NaOH मिलाया जाता है तो NaCl का निर्माण होता है। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ NaOH मिलाया जाता है, जब प्रबल अम्ल के साथ प्रबल सार मिलाया जाता है तो Na और Cl NaCl बना देते हैं और साथ में किसका निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। अर्थात यह अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है, जो हमने पहले पढ़ा था। जब एक अम्ल की अभिक्रिया एक सार से करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें जो ये NaCl है इसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, लवण है, नमक है, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। यह सफ़ेद कलर का, श्वेत कलर का होता है, चिकना पदार्थ होता है, क्रिस्टलीकरणीय पदार्थ होता है। अब इसका उपयोग देखिए, सबसे पहले भोजन के रूप में, दूसरा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, और तीसरा उपयोग हम लिख सकते हैं हिमीकरण में, हिमीकरण में। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। दूसरा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसका जो अन्य नाम है इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब देखिए NaOH का निर्माण किस प्रकार होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड के अंदर, जब हम सोडियम क्लोराइड के अंदर जल मिलाते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड के अंदर जल मिलाते हैं तो 2Na और OH, 2Na और OH है, या फिर यूँ कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणुओं का निर्माण होता है, 2Na और OH का निर्माण। ये हमारे पास 2Na हो गए और यहाँ से हमने 2 टाइम OH ले लिया, पीछे Cl2 बचता है, ये Cl2 गैस हो गई, और हाइड्रोजन 4 थे हमारे पास, इसमें से हमने 2 ले लिए, पीछे कितने बचे, 2 बचे, तो ये हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो पुनः देख लेते हैं, जब सोडियम क्लोराइड में जल मिलाया जाता है, जब सोडियम क्लोराइड में जल मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इसके साथ क्लोरीन गैस का और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, इसके उपयोग क्या क्या है।
सबसे पहला उपयोग कास्टिक वर्ड आते ही साबुन निर्माण में, साबुन निर्माण में। दूसरा पेट्रोलियम शोधन में, और तीसरी बात है इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहा जाता है, इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी है, और ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सोडियम क्लोराइड के साथ जब जल मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इसके उपयोग, कास्टिक है तो साबुन और अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अब हम तीसरी बात करते हैं, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 भी है, इसे हम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड कहते हैं, इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। अब देखिए CaOCl2 है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसकी जो निर्माण विधि है वो देखते हैं हम। जब CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस, कहने का मतलब है क्लोरीन मिलाई जाती है, Cl2 गैस मिलाई जाती है, तो देखिए CaOCl2 का निर्माण होता है, CaOCl2 का निर्माण होता है जब CaO और Cl2 का साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, उसमें जब क्लोरीन गैस मिलाई जाती है तो CaOCl2 का निर्माण होता है और H2O जल का निर्माण होता है। ये जो CaOCl2 है इसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब इसका उपयोग, सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में। दूसरा इसका उपयोग है वो लकड़ी उद्योग में, लकड़ी उद्योगों में, पेयजल के शुद्धिकरण में, पेयजल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा हम लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। तो ये था हमारा विरंजक चूर्ण CaOCl2 जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, इसका रासायनिक जो सूत्र है CaOCl2 होता है। यह वस्त्र उद्योगों में, लकड़ी उद्योगों में, पेयजल के शुद्धिकरण में, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, और प्रतिरोधी पदार्थों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है चौथी बात, जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। जो खाने का सोडा है जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, NaHCO3, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए जब Na2CO3 जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, Na2CO3, इसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है,
तथा जल मिलाया जाता है, तथा जल मिलाया जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, धावन सोडा, धावन सोडा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलाया जाता है, तो देखिए 2NaHCO3 का निर्माण होता है, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। तो यहाँ का H2, यहाँ का CO3 और यहाँ का Na, ये 2 times NaH और CO3 1 time, इसको संतुलित करने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, या फिर आप यूँ भी समझ सकते हैं, गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, CO3, CO2 और O, तो ये दोनों मिलके भी क्या बनाते हैं, CO3 बनाते हैं, तो 2NaHCO3, तो ये बन गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो खाने का सोडा NaHCO3 होता है, इसका निर्माण जब धावन सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है और जल मिलाया जाता है, तब इसका निर्माण होता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब इसके उपयोग देखते हैं। सबसे पहला उपयोग खाने का सोडा है खाद्य पदार्थ बनाने में, दूसरी बात है यह एक प्रकार का लवण है, इनो जैसे फ्रूट लवणों में, और तीसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब देखिए पांचवा, जिस प्रकार यह खाने का सोडा था, उसी प्रकार जो वॉशिंग सोडा होता है, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा या फिर कपड़े धोने का सोडा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है कपड़े धोने का सोडा, इसे हम Na2CO3 से लिखते हैं, Na2CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता कैसे है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, इसको पुनः गर्म किया जाता है, तो धावन सोडे का निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण किया जाता है। देखिए 2NaHCO3 है, जब इसे गर्म किया जाता है, 2NaHCO3 जब इसे गर्म किया जाता है, तो Na2CO3 का निर्माण होता है, CO2 गैस निकलती है और H2O का निर्माण होता है, NaHCO3, इसे हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। जब इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ पे धावन सोडा का निर्माण होता है, साथ में CO2 गैस निकलती है और यहाँ पे जल का निर्माण होता है। अब इसका उपयोग क्या है, उपयोग सबसे पहला उपयोग धावन के रूप में, दूसरा इसका उपयोग है कपड़े धोने का सोडा है तो सोडियम के अवयव बनाने में या फिर यौगिक बनाने में, और तीसरा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।
जब Na2CO3 का निर्माण हो जाता है, इसका हम क्रिस्टलीकरण करते हैं, अर्थात इसमें जब जल के जो 10 अणु होते हैं वो मिला देते हैं, तब इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O बन जाता है। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्रिस्टलीकरण, जब Na2CO3 में 10 के जब Na2CO3 में जल के 10 अणु मिला देते हैं और इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो यह Na2CO3 और 10H2O बन जाता है। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है, जिसे धावन सोडा कहते हैं, यह एक क्रिस्टलीकरणीय पदार्थ है जो क्रिस्टलीकरण को प्रदर्शित करता है। तो इसका उपयोग धावन के रूप में या फिर वॉशिंग के रूप में, वस्त्र उद्योगों में या घरेलू में भी धावन के रूप में किया जाता है, साबुन वगैरह बनाने में। सोडियम के जितने भी अवयव होते हैं वो बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जैसे हमने पहले देखा धावन सोडा का उपयोग है, खाने का सोडा बनाने में हमने किया था, इसी प्रकार प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं पी ओ पी, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट में 1:1:2H2O मिलाया जाता है, 1:1:2H2O मिलाया जाता है, तो CaSO4 और 2H2O का निर्माण होता है। तो यह POP कहलाता है और यहाँ पे जिप्सम का निर्माण होता है। जो कैल्शियम सल्फेट है यह, इसे हम POP कहते हैं, और जब इसके अंदर 1:1:2½H2O या फिर ऐसा कहें 1:1:2H2O मिलाया जाता है, तो CaSO4 और 2H2O का निर्माण होता है, इसे हम जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम प्रक्रिया में जो POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4½H2O, इसके अंदर 1:1:2H2O जल मिला दिया जाता है, जिससे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम खड्डी कहते हैं, वह ठोस बन जाती है और जिप्सम का निर्माण हो जाता है। अब इसके उपयोग क्या है, देखिए POP के उपयोग। सबसे पहला उपयोग, जिप्सम का जब निर्माण हो जाता है तो प्लास्टर के रूप में जब हमारी शरीर में हड्डियाँ टूट जाती है या फिर कोई भी हड्डी है फ्रैक्चर हो जाती है, उस हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए डॉक्टर्स द्वारा जो प्लास्टर किया जाता है, उसके अंदर POP यूज की जाती है या POP का उपयोग होता है, उसमें किया जाता है। दूसरा, सजावटी सामान बनाने में। तीसरा, दंत शय में। चौथा उपयोग, मूर्तियां बनाने में आदि। तो पुनः देख लीजिए, POP, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 ½H2O होता है। जब इसमें 1:1:2 यानी जो डेड अणु जल के मिला दिए जाते हैं, तो डेड और ये आधा दो अणु बन जाते हैं जल के, और जिप्सम का निर्माण हो जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। यहाँ पे POP है, जब जल मिलाने पर ठोस हो जाती है, इसीलिए इसका उपयोग प्लास्टर के रूप में किया जाता है, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है, दंत शय में भी किया जाता है, और मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है। थैंक यू। आज हमने पढ़ा था इसके बारे में, ज़रूर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।